साथियों, आज हम मोरिंगा की कटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी प्रूनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, और हम आज ये जानेंगे कि इसकी कटिंग कब करनी चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, इसका क्या सही तरीका है। मैं संकल्प शर्मा, विदिशा मध्य प्रदेश से, नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेडिजी पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पीछे जो आप मोरिंगा का पेड़ देख रहे हैं, ये 3 साल पुराना है। जुलाई 2018 में हमने प्लांटेशन किया था। कुछ पौधे हमारे 2 साल के भी हैं, क्योंकि मोर्टिलिटी रेट के कारण हमने फिर से प्लांटेशन किया था। बट ये जो पौधा पीछे आप देख रहे हैं, 3 साल का है। और इसमें क्या करना होता है कि एक आपको बीच बीच में प्रूनिंग करनी रहती है, बट अभी हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करने वाले हैं। मतलब कि आप जब इसका प्रोडक्शन ले लेते हैं, पूरा हार्वेस्ट एक बार आप ले लेते हैं, तो आपको इसका जो मेन तना है उसको आपको काटना पड़ता है। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ हमने इसकी एक प्रूनिंग की हुई है इसकी, और ये भी इतना ही बड़ा पौधा था और हमने इसको करीब 4 फीट के हिसाब से यहाँ काट दिया है। और आप देख सकते हैं नीचे की हमने जो मोटी मोटी जो शाखाएँ थी उसको हमने छोड़ दिया है, और बाकी जो पतली शाखाएँ को हमने नीचे से हटा दिया है। इस वाले पौधे में आपको ये दिखाना चाहूँगा मैं, हमसे लास्ट ईयर एक गलती हुई थी। जो हार्ड प्रूनिंग, मतलब जो मेन जो तना है जो स्टेम है, उसको आपको करीब 3 से 4 फीट के आसपास काटना है। और थोड़ा सा जब मैं लॉकडाउन के समय पिछले साल आ नहीं पाया था, तो हमारी जो टीम थी उनसे थोड़ी सी गलती ये हुई कि उन्होंने, आप देख सकते हैं कि ये जो हाइट है, यहाँ से हमने इसकी कटिंग की थी पिछले साल, तो ये करीब 5 फीट की इसकी हाइट हो गई थी। आइडियल इसकी कटिंग यहाँ से करनी थी, लेकिन ये कटिंग यहाँ से हो गई। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा है कि आप देख सकते हैं कितना ये पेड़ बढ़ गया है। ऊपर इसकी जो ड्रमस्टिक है काफ़ी हाइट पर लगती हैं, और इस हाइट के कारण इसको हार्वेस्ट करना मुश्किल होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये कटिंग करें, आप 3 से 4 फीट के हाइट पे करें, ताकि आप उसको आगे जाके इसका शेप मेंटेन कर सकें, और इसका जो एक अम्ब्रेला वाला जो एक छत्रक रूप है वो आपको मेंटेन करना है। तो आगे हम दिखाएंगे कि इसकी कटिंग आपको कैसे करनी है, कौन कौन सी शाखाओं को आपको रखना है और कौन सी शाखाओं को आपको नहीं रखना है। इसका एक और थंब रूल आप ये समझ सकते हैं, एक आसान तरीका है कि जो जो शाखाएँ जिसकी जो मोटाई है, चौड़ाई है, अगर आपकी ये वाली जो उंगली है इससे इस बराबर है या इससे कम है, तो आप उसको हटा दीजिए, बिकॉज वो आगे जाके वो बाहर सहन नहीं कर पाएगी अगर इसमें कोई फ्रूटिंग लगती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह की जो मोटी सी शाखाएँ हैं ये आपको रखनी है, और बाकी जो पतली पतली शाखाएँ उसको आपको काट देना है। साथियों, अभी मैं आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस वाले मोरिंगा की आपको प्रूनिंग करनी है। तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, नीचे की जितनी ब्रांचेस हैं हमको नहीं रखनी है, करीब 2-3 फीट तक, और अगर कोई ज़्यादा मोटी ब्रांचेस है हम उसको रख सकते हैं, बट नीचे की जितनी ब्रांचेस हैं आप देख सकते हैं उनको हम यहाँ हटाने वाले हैं। तो ये अभी हमारे पास एक इस तरह का एक मनारे कटर है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं, और ये वाला दिखाएं, और ये वाला भी एक कटर है हमारे पास है, इससे हम ये जो मोटी शाखाएं उसको हम काटेंगे, और एक ये कटर है हमारे पास, इस कटर से हम जो पतली शाखाएं उसको काटेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा करीब 1-2 इंच छोड़कर आपको ये शाखाएं काटनी है नीचे से। और आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि ये काटने के बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इन हिस्सों पे आपको गोबर लगाना है, ताज़ा गोबर देसी गाय का। अदरवाइज़ ये अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ बारिश का पानी जमा हो सकता है और इसमें फंगल इन्फेक्शन आ सकता है, राइट। सो आप देख सकते हैं कि अभी हम ये यहाँ तक साफ़ रख रहे हैं। अब ये जो मोटी मोटी ब्रांचेज हैं इसको हम पूरा, हम इसको करीब 1 फीट छोड़ के काटेंगे। तो ये वाली आप देख सकते हैं, इसमें हम करीब 1 फीट के आसपास हम यहाँ से हम इसको काटेंगे, और इसको आपको 45 डिग्रीज़ के एंगल में काटना है, थोड़ा स्लैंट काटना है, ताकि अगर आप इसको फ्लैट काट देंगे तो बारिश का पानी जमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आपको ये स्लैंट आपको इसमें काटना है। ये जो पतली शाखा है हम इसको बिल्कुल नहीं रखेंगे, हम इसको वहीं से काट देंगे, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके बाहर सहन नहीं कर पाएगी अगर इसमें कोई फ्रूटिंग लगेगी तो। अब ये वाली ब्रांच को भी हम यहाँ से करीब इतना हम इसको रख के हम इसको काट देंगे। और ये वाली को हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, जो भी पतली शाखा है ये। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि हमसे लास्ट ईयर क्या गलती हुई थी, कि ये हमने इस पोजीशन पे काटा था, इतनी हाइट पे काटा था,
इसको आइडियली हमको इस हाइट पे इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी थी। अब चूंकि हमने यहाँ से काटा है तो मजबूरी में हमको ये वाली जो इससे वी शेप में जो बाकी इस नोट्स पे ये ब्रांचेस निकली हमको रखना पड़ेगा। तो अब ये क्या इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी प्रूनिंग करें, हार्ड प्रूनिंग करें, तो हमेशा यह ध्यान रखें कि 3 से 4 फीट के आसपास आप इसकी मेन ब्रांच को काट दें, सो दैट इसकी हाइट आप मैनेज करके चलें और आगे जाके जब इसमें फूटिंग होगी तो आप इसको ईजिली अपने हाथों से हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कितनी ऊपर ऊपर इसमें मोरिंगा की फली लगी हुई है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको हार्वेस्ट करना। ये हम और ये जो पतली शाखा है इसको हम पूरा काट देंगे। और ये वाली को भी हम 1 फीट छोड़ के हम इसको यहां से काट देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने क्या करा कि अब ये इतनी इतनी हमने ब्रांचेस छोड़ दी हैं। अब यहाँ इसमें नई पत्ते आएंगे, नई इसमें ब्रांचेस आएंगी और करीब 1-2 महीने बाद के आसपास हम इसको फिर से एक बार हल्की सी माइनर प्रूनिंग इसकी करेंगे, सो दैट इसकी जो हाइट है हम इसको मेंटेन करके रख सकें और आगे जाके जब इसमें इसकी जो पॉट्स लगेंगे, ड्रमस्टिक्स लगेंगे, हम इसको ईजिली हार्वेस्ट कर सकें। क्योंकि इस तरह से करने से इसका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है और आप जब इसको एक अम्ब्रेला का, एक छतरक का रूप देते हैं, एक आर्क के तरीके से आप काटते हैं, तो आप यहाँ से काटना है तो अगर आप इसको आर्क के तरीके से काटते हैं तो एक एक प्रॉपर शेप में ये कटता है और उसकी जो जितनी भी नई फ्रूटिंग होती है वो आपके इजीली अप्रोचेबल होती है और ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग होती है। अब ये लास्ट है, इसको हम यहाँ से काट देंगे। तो साथियों ये तरीका है मोरिंगा के प्लांट की प्रूनिंग करने का, हार्ड प्रूनिंग इसको बोलते हैं हम। और ये वाले जो अभी आपको हिस्से दिख रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप सुरेंद्र पास लेके आएँ, आप देख सकते हैं इसको हमने थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल में काटा है। ये भी आप देखें थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल में काटा है, सो दैट बारिश का पानी इसमें जमा ना हो। अब इस वाले पोर्शन में हम देसी गाय का ताज़ा गोबर लगाएंगे ताकि इसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन आने के चांसेस ना रहें। जहाँ जहाँ हमने कटिंग की है, यहाँ अगर की है, यहाँ अगर हमने कटिंग की है, यहाँ अगर हमने कटिंग की है, तो हमको उसको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ताज़ा गोबर आप इसमें लगा के रखें। साथियों देखिए ये हमने पिछले साल इसमें कटिंग की थी इस पोजीशन पर। ये आप देखिए ज़मीन से इसकी हाइट करीब होगी 3 से 4 फीट के आसपास, तो ये परफेक्ट हाइट थी जो जिस हाइट पे हमको काटना चाहिए था। और कुछ जगह हमने क्या हुआ कि ये करीब 5 फीट से कट गए। अब ये सही हाइट पे कटने का इसका फ़ायदा आप देखिए कि ये इसकी ब्रांचेस भी कितनी इवनली स्प्रेड आउट हुई हैं। और अभी हम जब इसकी कटिंग कर रहे हैं तो हमको बस कुछ नहीं करना है कि ये वाले जो पॉइंट्स है, ये वाली जो साइड ब्रांचेस निकली हैं वी शेप में, उसको हमको 1 फीट छोड़ना है। ये 1 फीट हमको यहाँ से छोड़ने से हम यहाँ इसको ऑलरेडी हम प्रूनिंग कर चुके हैं। अब हम यहाँ भी हम इसको 1 फीट के बाद हम इसको काट देंगे, यहाँ हम इसको 1 फीट के बाद काटेंगे, इसको हम 1 फीट के बाद काटेंगे, यहाँ भी हम इसको 1 फीट के बाद काटेंगे। तो ये एक आर्क आ जाएगा, छतरी नुमा आकार आ जाएगा और कटने के बाद इसकी कैसी स्थिति रहेगी मैं उसको अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब साथियों ये देखिए इस पौधे की, प्लांट की प्रूनिंग करने के बाद कैसी स्थिति आपको दिख रही है। साथियों नीचे की आप देख सकते हैं, नीचे की जो ब्रांचेस हैं उसको हमने पूरी तरीके से काट दिया है और इस हाइट के बाद, मतलब करीब आप देखिए कि 4 फीट के आसपास या 3 फीट के आसपास इसकी हाइट है और इसके बाद से ही हमने ये ब्रांचेस आगे बढ़ानी शुरू की है। नीचे की जितनी ब्रांचेस हैं हमने उसको पूरी तरीके से प्रून कर दिया है और ये आप देखें अलग अलग जो नोट्स हैं इसमें से हम जो निकल रहे हैं इसको हमने रखा है और करीब 1 फीट के आसपास हमने इसको रखने के बाद काट दिया है। और अब ये देखिए इसको भी हमने थोड़ा स्लैंट काटा है, आप देख सकते हैं कि ये भी आप जब भी आप इसको काटेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा स्लैंट हमने काटा है ताकि अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी इसमें रुके ना और स्लोप के कारण नीचे बह जाए। अभी हम इसमें गोबर भी लगाएंगे फॉर एडेड प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से आपको इस मोरिंगा प्लांट की प्रूनिंग करनी है और इस तरीके से अभी हम इसमें गोबर अच्छे से लगा रहे हैं। कोशिश करिए थोड़ा सा थिक हो गोबर ताकि वो स्टिक कर जाए उसके सतह पर। इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ आपने इसको काटा है वहाँ वहाँ आपको ये करना है, अदरवाइज़ अगर ये प्रोसेस अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो फंगल रोग होने के चांसेस हैं, बिकॉज जैसे ही इसमें बारिश पड़ेगी, पानी गिरेगा, तो इसमें फंगल रोग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो साथियों उम्मीद है आपको ये मोरिंगा का जो कटिंग का वीडियो है, प्रूनिंग का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस प्रूनिंग से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कोई भी आपके सवाल हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उन सवालों को पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवालों का आपको जवाब दे सकूं। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।